नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, सीटेट 2021 का। ए स्टूडेंट शोज, ये हर बार भूल जाता हूँ मैं, इसको पहले से करना होता है, 2-3 सेकेंड खराब होते हैं, इसके लिए वेरी माफी मांगता हूँ। ए स्टूडेंट शोज फॉलोइंग साइंस, साइंस आपको समझने होंगे, इन द क्लासरूम। नंबर एक एंग्जाइटी है, किसके लिए? रीडिंग के लिए। दो इंपॉर्टेंट हम नोट कर रहे हैं, एक बच्चे के फीचर कौन से हैं। डिफिकल्टी है किसके लिए? वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अच्छा, ये और ये मैच कर गया है, लेटर्स को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये रीडिंग से बिल्कुल मिलता जुलता है, रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल एक बच्चा पी को ये पढ़ लेता है, ओके, बी को वो डी पढ़ लेता है। रिकॉग्निशन में एरर, डिफिकल्टी, ये एग्जाम्पल है उसकी। पुअर वोकैबुलरी, ये भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्बल के आले द्वाले इर्द गिर्द सॉरी घूम रहे हैं। फोर्थ है डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट इज रेड। देखिए, सारे जो है सेंट्रल आइडिया जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रीडिंग के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक। तो रीडिंग डिसेबिलिटी जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई देती है वो इसका आंसर होगा। लेकिन क्योंकि हर वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर समझने होते हैं, उनको समझने की नेक्स्ट में कोशिश करेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, अल्टरनेट्स को पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव फर्स्ट है ए स्टूडेंट विद ऑटिज्म। अब ऑटिज्म आपको समझना होगा क्योंकि ऑटिज्म के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन आ सकता है, आपको थोड़े से फीचर ऑटिज्म के बताए जाएंगे, ये लिखे हुए हैं। वैसे एक फिल्म भी बनी थी, शायद आपने देखी होगी या नहीं, माई नेम इज खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट। उसमें जो शाहरुख खान है, ये उनकी फोटो है, ये ऑटिस्टिक पर्सन है। उनके फीचर क्या है इनसे हम समझ सकते हैं, अगर आप फिल्म देखिए आपको याद रहेंगे। अगर ऑटिज्म या ऑटिस्टिक पर्सन आता है तो इस फिल्म और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रख सकते हैं। क्या है कि फेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते, किसी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ओके, टच से अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी टोन से जब हम कोई बात करते हैं, एक तो हमारे शब्द हैं, ठीक है, दूसरा उसके उसकी टोन है। कई बार हम अच्छे शब्द बोलते हैं, टोन नेगेटिव होती है, रिकॉग्नाइज दूसरा कर लेता है, ये कहां से बोल रहा था, समझ गए ना, ये कहां से बोल रहा था। तो ये जो बातें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोले हैं, ये क्या है कि ऑटिस्टिक पर्सन की सोशल स्किल्स वीक होती हैं। सोशल स्किल्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें अभी जो मैंने बताया आई कॉन्टैक्ट, फेशियल जेस्चर, इससे कम्युनिकेट करते हैं, हाँ ना बोलते हैं, आप टच करते हो, आप एक दूसरे से कितनी स्पेस रखनी है। फॉर एग्जांपल मैडम आए हैं, आपने कितनी स्पेस रखनी है, आपका दोस्त है उससे आपने कितनी स्पेस रखनी है। अच्छा, आपकी बॉडी मूवमेंट, आप अपने दोस्त के कंधे पर हाथ भी रख सकते हो। अच्छा, कोई और सोशल मेंबर आया है तो कई बार आप ऐसे खड़े हो जाते हो, कई बार ऐसे, कई बार ऐसे, कई बार ऐसे, ऐसे, क्या बात है, आपकी आंखें बता देती हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट बता देती है, ये नॉन वर्बल सॉरी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है। आपकी बॉडी, आप खड़े होने से ही कई बार पर्सनालिटी वो जज कर लेते हैं, ये कैसा होगा, वो तो जज कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी कह रही है क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट अनकॉन्शियस से आ रही है। ये बातें अभी यहां नहीं करेंगे। ऑटिस्टिक पर्सन को जब भी आए, सोशल स्किल्स, स्पीच और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वीक। एक पॉइंट है रेपिटेटिव बिहेवियर, बार बार दोहराते हैं उनको, ये बातें याद रखनी है। अगर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बताए गए हैं तो आप ऑटिस्टिक को टिक कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये रही एक क्रिएटिव स्टूडेंट्स। क्रिएटिव स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक वर्ड, एक नहीं ज्यादा ही बता देता हूं, ए पर्सन
ये बच्चा ये हमेशा कुछ न्यू करे। ओके, न्यू क्या? आइदर आइडिया और ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, मतलब बच्चे ने कोई नया मॉडल बनाया है, नया चार्ट बनाया है, या कोई नया आइडिया दिया है, या नया सोल्यूशन दिया है, अच्छा नया आंसर दिया है, ये सारा कुछ, ये जो सारा कुछ नया है, नए के इर्द गिर्द घूमता है, प्लस ये मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल क्या होता है? जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज हो, लाइफ की प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर ये फीचर किसी बच्चे में है, वो नए आइडिया देते हैं जो यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ये बातें याद रखनी है, मीनिंग का क्या मतलब है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अच्छा यूजफुलनेस से रिलेटेड है। कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, किसी असाइनमेंट को डिफरेंट ढंग से करता है, प्रोजेक्ट डिफरेंट ढंग से करता है, तो वो बच्चा क्या है? क्रिएटिव। वो क्रिएटिव है। जो नोटबुक से याद करते हैं वैसा ही लिख देते हैं, जो टीचर बोलता है वैसा ही सुनते हैं, वैसा ही एग्जाम में लिख देते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, वो क्रिएटिव नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी को किल करता है, ये स्पष्ट है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन ये बच्चा नेगेटिव ट्रेट है, एंजाइटी भी नेगेटिव है, रीडिंग है, तो ऐसा कुछ भी वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहां ऐसा होता कि एक बच्चा रीड करके न्यू सेंटेंस बना रहा है, न्यू पैरा लिख रहा है, न्यू ऐसे लिख रहा है, तो वो क्रिएटिव है, लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी। ठीक है, पर ऐसा कोई भी साइन यहां नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग डिसएबिलिटी। लर्निंग डिसएबिलिटी भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये बात याद रखना। आप कोई मेडिकेशन या मेडिसिन देके ये ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेनली चार चीजों से रिलेटेड है। यहां पर यहीं लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे हाँ ये ओके डिसग्राफिया। फर्स्ट याद रखने के लिए ग्राफ को याद रखें, ग्राफ 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 बनाते हैं ना, पेपर पर ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बड़ा बन गया ग्राफ, तो इससे एसोसिएट कर लो, जो ग्राफ है वो लिखने वाला, पेपर पर पेन से लिखने वाला काम है। इट मीन्स, ऐसे क्यों बता रहा हूं, एसोसिएट कर रहा हूं, ये एक स्ट्रेटजी है लर्न करने की। डिसग्राफिया, ग्राफिया मीन ड्रा करना, लिखना। तो जो लिखने के लिए प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो डिसग्राफिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी का फर्स्ट उसकी डायमेंशन। सेकेंड है डिसकैलकुलिया, ये याद रहेगा, कैलकुलेशन, कैलकुलिया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या करते हैं? नंबर सिस्टम, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, वो उसमें स्पेसिफिक मैथमेटिकल एबिलिटी में, कैलकुलेशन में, जैसे ईशान को तारे जमीन पर बार बार आती है, वो कितने जमा कितने 9 कह देता है, इमेजिनेशन में जाता है, लेकिन राइट आंसर नहीं होता, तो प्रॉब्लम आती है, ये डिसकैलकुलिया हो गई। फिर आ गई डिसलेक्सिया, ये तारे जमीन पर डिसलेक्सिया उसको बोला गया था, लेकिन लर्निंग डिसबिलिटी के सारे फीचर उसमें बताए गए हैं, जैसे राइट लेफ्ट को वो फॉलो नहीं कर पाता, इंस्ट्रक्शन उसको समझ नहीं आती जल्दी जल्दी, तो डिसलेक्सिया को याद करने के लिए कोई एसोसिएशन नहीं है। तो रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया के लिए स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी। और डिसफ्रेजिया, ये जो मैंने अभी बताया है, जो एक स्किल बच गई है, एक तो स्पीच और दूसरा जो लाइट लेफ्ट राइट है, मोटर कोऑर्डिनेशन। आप याद करना, जब तारे जमीन पर ईशान वो कुत्तों से खेल रहा होता है, तो तीन चार बच्चे बॉल से खेलते हैं और बॉल उसकी तरफ आती है, तो उसको कहा जाता है कि ईशान बॉल फेंक, वो तो वो बॉल उठाता है, और देखना क्या हुआ, यहां ऐसे मैं स्लो मोशन करके बता रहा हूं, ऐसे फेंकनी तो इधर थी लेकिन बॉल चलेगी इधर। इट मींस वो डिस्टेंस को, स्पीड को,
और जो फेंकने वाली एनर्जी है उसको कोऑर्डिनेट नहीं, अपने मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। फेंकनी उसने इधर थी, चली इधर गई। उसके बाद यही चीज उन बच्चों और ईशान के बीच कन्फ्लिक्ट, झगड़े का कारण बनती है। झगड़ा उसकी पेरेंट्स तक पहुंचता है। देखो एक प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम को कैसे जन्म देती है और उसको पनिशमेंट मिलती है। और चलो ये दैट इज व्हाई ग्रोथ डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे देती है। तो ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम जो है डिस्प्रेक्सिया, ये बात याद रखनी। तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन डालने वाले ने क्या किया कि उसने सारी डिसेबिलिटी के फीचर नहीं बताए, उसने सिर्फ रीडिंग से डिफिकल्टी रीडिंग। ओके, ये रीडिंग इट मींस साफ है कि वो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया ऑप्शन में नहीं डाला और ऑप्शन में उसका कॉम्प्रिहेंसिव टर्म डाल दी है, तो आपके लिए कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आप खुद कंपेयर कर लेना कि नेक्स्ट ऑप्शन लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटल इंपेयरमेंट। अच्छा, मेंटल इंपेयरमेंट के लिए मैंने वैसे एक ग्राफ भी बनाया है। मेंटल इंपेयरमेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं सारे, जिसके लिए हम वैसे अंधविश्वासों में भी चले जाते हैं। इस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जो आपके इर्द गिर्द या दोस्तों को जो डिसऑर्डर अगर दिखाई देते हैं उसका साइकेट्रिस्ट के साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके इलाज हो जाता है। ये आप इधर उधर प्लीज उसको तंग मत कीजिए। चलो मैं ये स्ट्रेटजी उसमें ही बताऊंगा। डिसऑर्डर्स क्या हैं? मेंटल रिटार्डेशन, आप जानते हो, जिन बच्चों का आईक्यू वेरी लो होता है, ठीक है, वो कई बार अपनी संभाल भी नहीं कर पाते, कई बार वो पढ़ लिख भी नहीं पाते, तो मेंटल रिटार्डेशन का कंसेप्ट भी, इंपेयरमेंट का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये याद रखना। उसमें मेंटल इलनेस भी होती है, पहले आप ठीक थे लेकिन बाद में बीमार मेंटली हो गए। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी भी उसमें शामिल की जा रही है कि अच्छा इसका कंसेप्ट मैं ये समझा दूं आपको, ये टर्म बार बार पूछी जा सकती है कि एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। तो एम्पेयरमेंट में ये सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अपने बाइपोलर डिसऑर्डर सुना होगा शायद, एक एक करके अभी यहां नहीं पढ़ा सकता। स्किजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन हाँ आपने सुना है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, किसी खास जगह पर जाते हैं। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, आप बार बार कोई हाथों को धोते हो, किसी चीज को बार बार टच करते हो, आपको लगता है अगर मैंने ये रिपीट ना की तो मुझे कुछ हो जाएगा। आप कई बार माथा टेकते हो, आप देखना बार बार देखते हो कि मैंने लॉक लगा दिया, फिर जाके देखते हो लॉक लगा दिया, बार बार वो विचार आता है। ऐसी रेपिटेशन जो आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप करते हो, आपको आप अनकॉन्शियसली करते हो, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसे जितने डिसऑर्डर हैं सारे मेंटल इंपेयरमेंट में आ रहे हैं। क्या हमें लगता है कि बच्चा रीडिंग से डर रहा है तो वो इतने बड़े बीमार होगा, इतना ज्यादा बीमार होगा? हालांकि ये कहा, ये स्पष्ट है कि लर्निंग डिसबिलिटी मेडिकल जो है डिजीज नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है। दूसरा, रीडिंग हमें आर्टिफिशियल है, जानवरों को किसी को रीड नहीं करना पड़ता, ये हमने क्रिएट किया है सिस्टम, सिंबॉलिक सिस्टम, लैंग्वेज हमने बनाई है, रीडिंग राइटिंग हमने बनाई है, तो ये अननेचुरल काम है रीडिंग राइटिंग, ये एक थ्योरी ये कहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रीडिंग से डर लगता है, हाँ लगता हो सकता है, तो ये तो मेंटल इंपेयरमेंट जो है उससे कुछ भी मैच नहीं कर रहा। अच्छा, मैं एक टर्म और आपकी क्लियर कर दूं कि इंपेयरमेंट क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है और हैंडीकैप होना क्या होता है। सिंपल, जो कभी कोई ऑर्गन डैमेज होता है किसी शख्स का, ठीक है, तो वो इंपेयरमेंट है। मान लीजिए किसी के लेग पर चोट लग गई, एग्जांपल दी गई है लेग पर चोट लग गई। अच्छा,
उस इंपेयरमेंट के कारण उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ा है। अब लेग का काम क्या है? चलना, ठीक है। आपका हाथ पर चोट लगी है तो इसका काम क्या है कि जो पकड़ना, लिखना, ये वाले काम। जब इंपेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी, कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, डैमेज होने से वो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। लेग जो है डिस्टर्ब हुई है, आप चल नहीं पाओगे, वॉक नहीं कर पाओगे, ओके। जब आप सोशल सिचुएशन में जाते हो, इंटरेक्शन करते हो सराउंडिंग से, तो फिर आप वहां रिस्ट्रिक्शन आप पर लग जाती है कि आप नहीं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के चोट लगी है, चल नहीं सकता, गेम्स चल रही हैं, आप गेम्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, ठीक। तो पार्टिसिपेट ना कर सकना, उसको ये हैंडीकैप। अच्छा, बड़ी अच्छी, देखना जरा ध्यान से कि ये है डिस्टर्बेंस एट ऑर्गन लेवल, छोटे लेवल पर हाथ लेग, और ये पर्सन लेवल पर डिसेबिलिटी पर्सन लेवल पर है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बड़ी काम आएगी आपके। और जो हैंडीकैप होना है ये सोशल लेवल पर है। एरिया कितना वाइडर हो गया, एक ऑर्गन, एक ऑर्गन के कारण पर्सन डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो डिस्टर्ब होने से कारण सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशन, सोशल सिचुएशन में पार्टिसिपेशन कम हो गई, सोशल डिस्टर्बेंस हो गई। अच्छा, ये फिजिकल की एग्जाम्पल दी गई है, मेंटल इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की एग्जाम्पल भी आपके सामने रख रहा हूं। जैसे है डिसलेक्सिया, ठीक है, रीडिंग ना कर पाना, रीडिंग में चैलेंज होना, तो ये लीड किसको करती है, डिसेबिलिटी लर्निंग में। जो रीड नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं रीड कर पाया, पोयम नहीं रीड कर पाया, ओके, कैलकुलेशन के जो डिजिट हैं, नंबर हैं, वो अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाए, जो पीछे बात करके आए हैं, तो वो फिर उसकी लर्निंग डिस्टर्ब हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। अच्छा, लर्निंग इतनी डिस्टर्ब हो गई, ईशान की यहां एग्जाम्पल है, क्लास टेस्ट में फेल हो गया, ये सोशल सिचुएशन में पहुंच गए। तो ये इंफॉर्मेशन, ये टेबल आप याद रखना, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, फिजिकल और मेंटल, उसकी एग्जांपल भी दी गई है, उसके लेवल भी। अच्छा, इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। थैंक यू। प्लेलिस्ट में जाके आप एग्जाम्पलर, सीट एट एग्जाम्पलर 2021, वहां पे बाकी भी ऐसे क्वेश्चन को और कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो देख सकते हो। थैंक यू।